हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पालक का चीला। आप सबने शायद खाया होगा। तो मैंने पालक को धो के अच्छे से सुखा के बारीक काट दिया था, और उसमें दो तीन मैंने प्याज लिए हैं। बेसन डाल दिया मैंने उसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला है। और प्याज मोटा मोटा कटा था। मैं उसमें जीरा डाल रही हूँ, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी मिक्स कर दी मैंने इसमें। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक डाला मैंने इसमें, और गरम मसाला इसको करेंगे हम मिक्स। बेसन भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने डाले हुए हैं इसमें। मैं पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया, मेरे पास दूसरा बारीक वाला नहीं था तो मैंने इसमें लिक्विड वाला ही डाला है। और कैसे हैं आप सब? वीडियो अच्छी लगेगी तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला। चाट मसाले का भी अपना ही टेस्ट चटपटा सा हो जाता है। अब इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे से। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि पालक से पानी खुद ही छूट जाता है। थोड़ा सा मतलब इसका डो अच्छे से बन जाएगा इसी में ही, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छा बनता है नाश्ते में। खालो ये देखो, मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसमें, और ऐसे हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग ट्राई जरूर करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नाश्ते में बना लो, जब दिल करता है कुछ अलग से खाने का तो हम बना सकते हैं। और आप सब कैसे हैं? सर्दी कैसी है इधर? से बहुत सर्दी लगी है हमारे हमारे के सभी जगह सर्दी बहुत ज़्यादा है। से मिक्स कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन गया इसका। और अब मैं इसके तवे पे चीला बनाऊंगी। इसका बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। इस तरह से मैंने 3 से 4 मैंने वो कर लिए, बनाए हैं इसके लोइयां से बना रही हैं। छोटे छोटे बना रही हूँ, आप बड़े भी बना सकते हैं, जितना मतलब आप चाहो उतना बड़ा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर देना, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि नहीं हमारी वीडियो को भी कोई लाइक करता है। इस तरह से तवा मैंने रख दिया है धो के। लाइट चली गई थी अभी थोड़ा सा, और मैंने ये देखो ऐसे इसको डाल दिया और हाथ से ही फैला दिया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और गैस को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा, तो कड़वा टेस्ट आता है इसका।
उसको अच्छे से पका देंगे थोड़ा सा दबा के, ताकि अंदर तक मतलब पक जाए। इस तरह से वीडियो थोड़ा सा लेट आ गया है इसलिए सॉरी। तो अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगी कि वीडियो रेगुलर आए मेरा, तो प्लीज़ सब लोग देखना और लाइक ज़रूर करना। ये देखिए इस तरह से चाय के साथ भी हम इसको खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाहिए इस तरह से, ये देखिए जितना चाहे हम इसको पतला कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छे से इसको हम पकने देंगे। और कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये देखिए बन गए हैं मेरे सारे, इस तरह से बनाए थे मैंने और चटनी के साथ खाए थे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं।